विदिशा से 13 किलोमीटर दूर हलाली डैम पर पिकनिक मनाने गए तीन लोगों की जान चली गई। ये तीनों भोपाल के शाहजहांबाद इलाके के रहने वाले थे। मृतकों के परिजन ने प्रशासन पर हालांकि लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में कई लोग पिकनिक मनाने आते हैं और यहां हादसे अक्सर होते रहते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने दो मृतकों के शव बरामद किए हैं। हम और छोटा वाला भाई था, दूसरे को बचाने के चक्कर में कुछ चला गया। दो आदमी डूबे थे जिसमें से एक को बचा लिया था और दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद डूब गए चला गया। उनको बचाने के चक्कर में हमारा छोटा वाला भाई भी चला गया। ये क्या कहते, तीन जने डूबे और बाकी एक जो बचे थे वो तो अपने घर भी चले गए। और जो डूबा वो बचाने गया था, हमारा भेंदोई और उसका बच्चा। जब इतना घेरा है तो उसपे प्रशासन को लगाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बता रहे 21-22 फीट घेरा है। प्रशासन कर क्या रही है, एसपी साहब कर क्या रहे हैं? अभी एक बॉडी यहाँ से निकली है और ऐसा पता चला है कि दोपहर में ये लोग उस क्षेत्र में जहाँ पर घेरा है वहाँ पर चले गए थे और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में जो है ये तीन लोगों की सूचना मिल रही थी, जिसमें से एक बॉडी भी बाहर आई है। दो की तलाश जारी है। हमारी एसडीआरएफ की टीम जो है वो तलाश कर रही है।